नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी एचयू। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों की घड़ी खत्म हो गई है। पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, पेपर कटिंग में क्या दिया है और भर्ती के कब आने के आपके आसार लग रहे हैं। और मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि आपकी भर्ती नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक आचार संहिता से पहले 100% देखने को मिल जाएगी। चलिए पूरी खबर को पढ़ते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन नवंबर में यहां पर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 51,000 पुलिस कर्मियों भर्ती होगी, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ध्यान दीजिए, 51,000 का मतलब यह है कि आपकी 25,000 होमगार्ड की और 25,000 आपकी यूपी पुलिस की, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा, सरकार बनने के बाद पुलिस विभाग में 75,000 नियुक्तियां कर चुके हैं। प्रदेश सरकार विभाग का हाईटेक बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। उरई के कालफी स्थित मंगरौल में रविवार को 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सीएम ने पुलिस वालों को हौसला अफजाई करते हुए कहा, सरकार प्रदेश का चेहरा बदला है, उनमें अब सेवा भाव को देखने को मौका मिला है। सीएम योगी ने कहा है, जब उनकी सरकार बनी थी तो प्रदेश में 1.5 लाख पद पुलिस विभाग में खाली थे। सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इनको भरा है और 23 करोड़ की जनता का सुरक्षा करना सरकार का काम है। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोगों की भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है, नवंबर के लास्ट वीक में देखो दोस्तों देखने को मिल सकती है या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक